हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ऋतु अग्रवाल। फ्रेंड्स, पूड़ी के साथ बनने वाली आलू की सब्जी की रेसिपी जानने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब देखते हैं पूड़ी के साथ दूसरी जो सब्जी सबसे ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन आपने शायद इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी, ये है आलू की सब्जी। बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, बिना प्याज लहसुन के बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसके लिए हम बॉइल्ड आलू ले लेंगे और ये मैंने 250 ग्राम टमाटर लिए हैं जिनको काट लिया, हरी मिर्च काट ली है इसमें, और हम टमाटर को एक जार में करके मिक्सी में पीसेंगे। इसमें अब अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, थोड़ी सी अदरक काट देंगे, इसमें मैंने काट के डाली है, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन काट के इजीली पिस जाएगी। और इसमें लगभग आधा कप हम दही डाल देंगे। दही फ्रेंड्स फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि खट्टा होगा तो सब्जी खट्टी हो जाएगी हमारी, इसलिए कोशिश यही करिएगा कि दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, 2 चम्मच तेल लेंगे, उसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स। इनके चटकने के बाद इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डाली है मैंने, तेज पत्ता डाला है। इन खड़े मसालों से सब्जी का फ्लेवर चेंज होता है फ्रेंड्स, ये डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ये सब्जियों में। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा कस्तूरी मेथी डालेंगे, एकदम क्रश करके। इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें 2 चम्मच हम बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, इससे एकदम स्पाइसी नहीं होती है सब्जी, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है देखने में। अगर आपको स्पाइसी बनानी है तो आप जो मिर्च होती है लाल मिर्च वो डालें इसमें। अब इस मसाले को हम भून लेंगे थोड़ा, जब ये मसाला हमारा थोड़ा अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच किचन किंग पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। किचन किंग पाउडर इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज कर देता है, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इसका बना देता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डालने से मसाले और भी अच्छे से भुन जाते हैं और ऑयल को रिलीज़ कर देते हैं, तो पानी डाल के मसालों को ज़रूर भून लें। ये देखिए कितना अच्छे से मसाले भुन गए, इसमें ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब मैंने इसमें ये आलू डाल दिए, बॉइल्ड आलू मैंने काट के डाल दिए इसमें। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, मैंने जब ये बनाई थी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब हम इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बिना प्याज लहसुन के इतनी टेस्टी बनती है ना, आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल लें। बिना प्याज लहसुन के इतनी टेस्टी सब्जी जब आप पूड़ी के साथ बनाएंगे ना, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपकी तारीफ़ नहीं करेगा। अब इसको आपको खूब अच्छे से खोलने देना है, क्योंकि जब सब्जी अच्छे से खोल जाती है तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और उसका ऑयल रिलीज होने से उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। मतलब आप जब बनाए सब्जी तो उसे अच्छे से बॉईल करना है आपको, ये कम से कम आपको 5 से 7 मिनट कम से कम आपको बॉईल करना है, इससे ज़्यादा आप बॉईल कर लें कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं करें। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, उसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। फ्लेम को आप जब
आपका घी गर्म हो जाए तो उसे ऑफ कर दें और ये जो छौंके इसमें हमें सब्जी में डाल देना है। इससे इसका कलर और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब कलर देखते ही सबका मन करेगा कि इसको भाई खा लिया जाए, कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। तो आप इस सब्जी को इंजॉय करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की ग्रोथ के लिए मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।